लोग ये सीखे हैं कि यदि इस संसार में कुछ पाना है तो बिना सत्गुरु के हम नहीं पा सकते, ठीक है। अगर सत्गुरु को छोड़कर संसार में जाएंगे तो जैसे प्याज को निकाला जाए उसका छिलका का कभी अंत नहीं होता, इस संसार में सुख खोजते खोजते अंतिम घड़ी आ जाएगी सांस का, फिर भी सुख नहीं मिलेगा। तीसरा हम लोग आज यह जाने हैं कि यह मानव जीवन जो दिया है उसके हाथ में सब चीज है, सुख या शांति। विपत्ति भी उसको पता है, संसार वासी को पता नहीं कि विपत्ति मेरी कैसे जाएगी, लेकिन उसके पास, उस विश्व नियंता के पास, सद्गुरु के पास, परम शक्ति सत्ता के पास, परमात्मा के पास है, पूरी शक्ति है और जानकारी भी है कि कहां से और कैसे कब मेरा यह विपत्ति छूमंतर हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग सीखे हैं कि सच्चा सुख गति पाना है तो सब एक और सदगुरु और एक और संसार। संसार वाले कभी आपको निकलने नहीं देंगे, इसलिए नहीं निकलने देंगे आपके अगल बगल अन्य लोग, इसलिए नहीं निकलने देंगे कि भोर हो इसका बन जाए हमारा बिगड़ जाए तो अपना समाज सभी देखता है ना, शराबी सोचता है शराबी ज्यादा बने, पापी सोचता है पापी ज्यादा बने, उसका संख्या बढ़े। उस तरह से आप लोग भी एक सबक लीजिए, आज से अन्य लोगों को भी धर्म और सत्य से जोड़ने का प्रयास करिए। एक धार्मिक जोड़ देते, एक आदमी को धार्मिक बनाते हैं तो एक मंदिर बनाने का फल मिलता है, चार पार चार धाम करने का फल मिलता है, और 101 गाय दान कर दिया जाए उसका फल मिलता है। और एक पापी बनाते हैं, जितना पाप करेगा उसमें से आपको भी हिस्सा मिलेगा, इसलिए आप लोग देर न करें, निकले अड़ोस पड़ोस अगल बगल सब लोगों को धर्म और सत्य का बात बताए, परिचय कराएं। समय बहुत तेजी से भगा, कल हम लोग समय से आ जाएंगे ताकि सब कुछ मिल सके और सभी की यात्राएं ध्यान रखेंगे, समय से आ जाएंगे। करेक्ट है, करेक्ट है।